हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे मेहंदी भी लगवाना है, तो बस पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और ये मेरे घर के बगल में रहती हैं और ये बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि कल वट सावित्री पूजा था तो उसकी तैयारी मैं एक दिन पहले से ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेहंदी भी लगवा लिया जाए। एक्चुअली मुझे मेहंदी लगाना एकदम नहीं आता है और मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो है मेहंदी लगा लेती हैं थोड़ा बहुत अपने हाथों में, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो हमेशा मुझे किसी और से ही लगवाना पड़ता है। जब मैं अपने मायका में रहती हूँ तो मेरी बड़ी दी की बेटी मुझे मेहंदी लगा देती है और यहाँ पर ये लगा देती हैं, इनका नाम निभा है, ये हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और बहुत अच्छी। दूसरे दिन हम सुबह जल्दी उठ गए थे और हमारा प्लान था कि हम सुबह 5 बजे ही निकल जाएंगे मंदिर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप भी कभी फेस्टिवल्स के लिए रेडी होती होंगी तो जो आप टाइम डिसाइड करते हैं उससे हमारा 10-15 मिनट तो ज़्यादा चले जाता है। फाइनली मैं रेडी हो गई थी और रेडी होने के बाद मैं एंड में अपने पैरों में आलता लगा रही थी। बहुत लोगों को बहुत सारा डिज़ाइन पता होता है लेकिन मुझे बहुत सिंपल डिज़ाइन आता लगाने के लिए, तो मैं एकदम सिंपल लगाती हूँ। हमारे यहाँ तो इसे आलता कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम मंदिर आ गए थे पूजा करने के लिए, और लास्ट ईयर भी मैंने यहीं पर पूजा की थी और इसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, और इस साल भी मैं यहीं पर आई हूँ पूजा करने के लिए। ये हमारे एरिया का थोड़ा फेमस मंदिर है, तो लास्ट ईयर जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि हम बरगद के पेड़ के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। मीन्स कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं वो पैर वैर दबाती हैं या फिर बरगद के पेड़ को हक करती हैं, तो थोड़ा सा ये फ़नी भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इंडियन ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं यही हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, तो इसीलिए मुझे अपने कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मानती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि मैं एकदम हर चीज़ को मानती हूँ, जो चीज़ मानने लायक नहीं होती है वहाँ मैं थोड़ा अपने आप को रोकती भी हूँ और उन चीज़ों को नहीं भी मानती हूँ। अब हमारी पूजा जो है वो ख़त्म हो गई है और इसके बाद अब हम बरगद के पेड़ में घूम घूम कर धागा बांध रहे थे। लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसके वजह से मैंने केवल 5 राउंड से लगाए थे, लेकिन यहाँ पर आज कम भीड़ थी तो मम्मी जी ने कहा कि 11 बार फेरी डाल लो, तो 11 बार फेरी डालने में हाथ मतलब ऊपर करके हमें बांधना होता है धागा, तो मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने ओवरऑल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इसके बाद अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर के अंदर, और ये जो मेन मंदिर है इसके अंदर एक बागेश्वरी माता का मंदिर है, और जब हम उस मंदिर के अंदर गए थे तो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी हमें फील हुई थी और बहुत अच्छा भी लगा अंदर जाकर। अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है और उस अंधेरे में ही आपको बागेश्वरी माता की पूजा करनी होती है, बहुत छोटा सा स्पेस है वहाँ पर, लेकिन फिर भी जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। पूजा ख़त्म होने के बाद हम एक दूसरे को सिंदूर देते हैं और सिंदूर देने के बाद उनको प्रसाद भी देते हैं, तो यहाँ पर मम्मी जी मुझे सिंदूर लगा रही हैं, इसके बाद मैं मम्मी जी को लगाऊंगी। तो एक्चुअली शादी से पहले मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था, जब कभी मैं छठ पूजा वगैरह में जाती थी तो जब सारी औरतें एक दूसरे को ऐसे लगाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था, तो अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है ये सारी चीज़ें करके, सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करके। इसके बगल में ही एक शिव बाबा का मंदिर था, तो आपको तो पता ही है कि मैं शिव बाबा की पूजा करना कभी नहीं छोड़ सकती, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए और यहाँ पर मैं और मम्मी जी हम दोनों मिलकर इनकी पूजा कर रहे थे। और इसके बाद ये लास्ट है, सारा पूजा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम हवन कर रहे थे। और जब मैं वापस लौट रही थी तो यहाँ पर मुझे मेरी 2 सब्सक्राइबर्स मिल गई और ये अचानक से मेरे पास आई और इन्होंने कहा कि मैं आपको पहचानती हूँ, आप YouTube पर वीडियोस बनाती हो ना, तो फिर इन्होंने कहा कि आप स्त्री वर्ल्ड वाली दी है ना, तो मैंने कहा कि हाँ, तो फिर इनसे हमारी थोड़ी बातचीत हुई, ये भी हमारे ही एरिया की हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको जान के, और हमने थोड़ी सी बातें की, थोड़ी सी सेल्फीज़ ली और थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया, तो
बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब कभी मुझे मेरी कोई सब्सक्राइबर मिलती हैं तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है। और ये कह भी रही थी कि दीदी आपको देखकर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है, और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रही थी कि दीदी आपकी वीडियोज़ आजकल एक एक दिन छोड़ कर आती है, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर लोग आपके लिए इतना कंसर्न नहीं दिखाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली पूजा ख़त्म होने के बाद अब हम बाहर जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी सीखती हूँ अपने कल्चर से, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर पास करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ मेरा भगवान में है, मेरे नेक्स्ट जनरेशन में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहे, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हमारे भगवान में कुछ पावर नहीं है या फिर वो कहीं से भटके ना। तो ये हमारे जिम्मेदारी होती है कि जो हम सीखते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छे से सिखाएं। इसके बाद हम आ गए थे कथा सुनने के लिए, और कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी पूजा जो है वो अधूरी मानी जाएगी। तो बस हम सभी मिलकर यहाँ पर कथा सुन रहे थे, और ये पंडित जी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बहुत अच्छे से कथा को समझा कर सुना रहे थे, तो मैं उसे भी इन्जॉय कर रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ तो उसे थोड़ा इन्जॉय करके करूँ, ऐसा ना करूँ कि मुझे ऐसा लगे कि अरे ये कितना बोरिंग है, तो वो वाइब मैं नहीं देना चाहती हूँ किसी भी चीज़ में। फाइनली हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद बाकी जो रिचुअल्स बचे हुए थे उन सबको कर रहे थे, और ये व्रत जो है वो हस्बैंड के लिए ही किया जाता है, तो जितने भी रिचुअल्स हैं उनको मैं फॉलो कर रही थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।